क्या लगा देंगे, बकिया बकिया। मैं ऐसे पहले मैं सोच रही थी बगिया लगा पहले बोलते थे ऐसे बकिया लगा देते। हेलो कैसे हैं? आज बनेगी पाव भाजी। तो पाव भाजी के लिए सारी वेजिटेबल चॉप कर ली है। कैप्सिकम है, कैरेट है, इसमें पटेटो है, इसके अलावा मैं इसमें मटर डालूंगी, चुकंदर भी डालूंगी, यानी कि बीट रूट डालूंगी मैं इसके अंदर, जिससे कि इसमें अच्छा सा रेड कलर आए। और सारी चॉपिंग वगैरह मैंने कर ली है। प्याज मैंने यहाँ पर काट के रख ली है, इसमें गार्लिक लिया है, जिंजर लिया है और चिली है। इसको मैं ना चॉपर में चॉप करने वाली हूँ और इसका मैं बनाने वाली हूँ प्योरी। तो ये चॉपर में चॉप होके मैं डालती हूँ, जिससे कि टेस्ट बहुत अच्छा आता है और इसकी प्योरी बन जाती है। तो ये सारी चीजें पहले ना मैं बॉयल होने के लिए रख रही हूँ, फिर बनाना आसान हो जाएगा मेरे लिए। बॉयल होने में भी टाइम लग जाता है ना। और मैं मटर भी डालती हूँ और ऊपर से पनीर भी डालती हूँ। मैं बता दूंगी किस तरीके से पनीर डालने से पाव भाजी बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है, लेकिन उसका तरीका अलग है। यहाँ पर मैंने मटर को बॉईल कर लिया है, इनको इसमें नहीं डालूंगी, वरना ये भी ऐसे ही फिर पिस जाएंगी। अभी फिलहाल मैं इसमें दो तीन चीजें ही डालने वाली हूँ। एक तो है सॉल्ट, दूसरा है हल्दी, थोड़ी सी हल्दी यहाँ पे, लाल मिर्च। पानी इसमें है ऑलरेडी, तो पानी मैं नहीं डाल रही। इसमें डाल रही हूँ बीट रूट, भूल गई थी अभी अभी याद आया। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू इंडियन मॉम स्टूडियो। कैसे हो आप सब लोग? तो मैंने पाव भाजी के लिए भाजी को चढ़ा दिया था, बन जाएगी वो। और इस तरीके से मैं करती हूँ, वो सब मैंने आपको दिखा दिया। अभी फिलहाल मैं ना छोटी छोटी प्याज कट करके रख रही हूँ, थोड़ा सा टमाटो कट करके रखूंगी, कोरिएंडर लीफ, क्योंकि इससे बनाऊंगी मैं भेलपूरी। आज सब कुछ चाट वाली चीजें बनेंगी, क्योंकि होली मिलने जो भी आ रहा है मैं सबको चाट खिला रही हूँ आजकल, क्योंकि पसंद भी सबको वही आ रही है। तो पाव भाजी बनने वाली है आज घर में, भेलपूरी बनेगी, कटलेट वगैरह ये सब चीजें होंगी, जितनी भी चाट की चीजें होती है सबको पसंद भी वही आता है। और आज ना घर में गेस्ट आने वाले हैं, मामा मामी को तो आप जानते ही हो। एक तो जब हम लोग पहले वैशाली में रहते थे ना, उनका घर हमारे घर के पास था, तब बहुत मुलाकात होती थी, लेकिन यहाँ पर लौटने के बाद नहीं हो पाई है। तो आज मैंने उनको भी बुलाया है घर पे, तो फैमिली गेट टूगेदर समझ लीजिए आज। आप लोग सोच रहे होंगे होली तो चली गई, अब होली मिलन किस बात का? नहीं, ऐसा नहीं है। जो लोग पहले मिलने नहीं आ पाए ना, वो लोग अब मिलने के लिए आएंगे, क्योंकि यार होली तो अभी है, ये महीना है तो होली है, बाकी तो अपने दिल के ऊपर है। जब घर में ना मिलने जुलने वाले लोग आते हैं, घर भरा भरा सा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। गेस्ट को अच्छे से ट्रीट करना, उनके लिए अच्छा अच्छा सा खाना बनाना, उनके साथ बैठकर खूब सारी बातें करना, ये मुझे बहुत पसंद है। इससे घर में ना बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। और मेरी मम्मी कहा करती थी, बहुत लकी होते हैं वो लोग जिनके घर पर लोग आना पसंद करते हैं, वरना आज की डेट में किसके पास इतना टाइम रखा है कि कोई किसी से मिले। ये देखिए कितना लाल कलर आया है, जबकि कोई भी इसमें मसाला भी नहीं पड़ा है, ना कश्मीरी लाल मिर्च ना कुछ, सिर्फ और सिर्फ ये बीट रूट की वजह से आया है। ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट होते हैं। पहले जब हम लोगों से पूछते थे कि यार आपकी पाव भाजी का कलर तो बहुत बढ़िया आया है, तो कोई भी बताता नहीं था, सब कहते थे हाँ बस ऐसे ही देखो, हमारा तो कलर बहुत बढ़िया आता है। लेकिन ये सारी चीजें अब यूट्यूब पर इतनी कॉमन हो गई है कि सीक्रेट चीजों को भी हम लोगों ने आप तक पहुंचाया है। जैसी चीज आप मार्केट में खा रहे हो या फिर आपके दोस्त आपको खिला रहे हैं, तो उसका जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है वो आपके घर तक पहुंचे और आप भी वैसे ही बना पाओ। तो ये लाल कलर देखिए कितना बढ़िया आया है। प्याज अच्छे से भून चुकी है, थोड़ा सा और सॉल्ट डाल के इसको और अच्छे से भून लेंगे। सॉल्ट ना इसमें बार बार मैं चेक करूंगी, क्योंकि मैंने सब्जियों में भी डाला हुआ था। लाल मिर्च डालूंगी, कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी, जिससे कि कलर और बढ़िया निकल के आए। प्याज को मैंने बहुत अच्छे से भून लिया था और अब मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटो प्योरे। इसको भी डालने के बाद मैंने 5-6 मिनट लगातार भूना है, जिससे टमाटर का कच्चापन निकल जाए। और फिर मैं इसमें कुछ और मसाले वगैरह भी ऐड करूँगी। तो
तो सबसे पहले मैंने इसमें ऐड किया है पाव भाजी मसाला, जो कि 1 टेबल स्पून के करीब मैंने ऐड किया था। यहाँ पर मैं एवरेस्ट का पाव भाजी मसाला यूज़ कर रही हूँ, मुझे वही पसंद आता है। धनिया पाउडर मैंने इसमें डाल दिया था थोड़ा सा, और उसके बाद फिर मैंने इसमें पानी डालकर इसको थोड़ी देर ढककर और थोड़ी देर खुले में अच्छे से इसको भून लिया। जब बहुत अच्छे से मसाला भून गया तब मैंने इसमें डाला है वेजिटेबल का जो प्योरे पूरा बना के मैंने तैयार कर लिया था मैश करके, वो मैंने मिक्स कर दिया। प्लस मैंने कुछ उबाल के मटर रखी हुई थी वो भी मैंने इसमें डाल दी एक मुट्ठी के करीब। फिर मैंने जब अच्छे से भून लिया इसके बाद मैंने इसमें फिर पनीर भी डाला था। पनीर ये था 100-150 ग्राम के करीब था, जिसे मैंने कद्दूकस कर लिया था और इसके साथ फिर बहुत देर भुना था मैंने, बहुत देर। फिर मैंने इसमें डाला धनिया पत्ती खूब अच्छे से, और इस तरीके से मेरा ये बनकर तैयार हो गया था। लास्ट में मैंने इसमें गरम मसाला ऐड किया था, तो बहुत जल्दी और बहुत अच्छी सी पाव भाजी बनके तैयार हो गई थी, घर में सबको पसंद आई थी। गेस्ट के आने से पहले मेरी क्या प्रिपरेशन रहती है, किस तरीके से मैं मैनेज करती हूँ, यहाँ पर मैंने सारे के सारे प्लेटर प्लेट्स बाहर निकाल के रख लिए थे जिससे मेरा काम आसान रहे। ये मैंने अर्बन स्पेस से मंगाया था रनर, कल के ब्लॉग में मैंने सारी बेडशीट और रनर शेयर किए हैं, आप चाहें तो वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़े बहुत फ्लावर वगैरह के अरेंजमेंट चेंज करे मैंने, थोड़ा लुक चेंज हो जाता है। किचन को मैं अच्छे से क्लीन कर देती हूँ जब सारा खाना वाना बन जाता है। तो ये थी कुछ नई बेडशीट जो मैंने मंगाई है, कल का व्लॉग जरूर चेक कर लीजिएगा, आपको भी पसंद आएगा। और इसके अलावा कशिश के रूम में भी मैंने नई बेडशीट बिछाई थी, लेकिन वो बेडशीट ना अनफॉर्चुनेटली आउट ऑफ स्टॉक हो गई है। काफ़ी लोगों ने उसका मुझसे लिंक मांगा है, तो अभी तो कोई उसका लिंक नहीं है, जब वो स्टॉक में वापस आएगी मैं आपको लिंक दे दूंगी। मौसम तो बहुत मस्त हो रहा है गाइस, मतलब बारिश की एक बूंद नहीं पड़ी है, लेकिन मौसम मस्त हो गया है। बाहर आ जाओ जल्दी, देखो क्या तैयारी चल रही है तुम्हारी। ठीक किया था तो अभी आपने आते ही पहले तो मुझसे वो मांगा, क्या एकदम से भूख लग रही है मुझे कुछ खाने को। हाँ मुझे एकदम से भूख लगी, आओ बाहर बैठते हैं ना जल्दी आओ। और पता है प्रशांत ने मुझे ये पहनवाया है, ये इन्हीं की चॉइस होती है। पता है मैंने इतना सोवर से व्हाइट कलर के कपड़े पहने थे, इन्होंने बोला नहीं रीमा कुछ ऐसा ब्राइट पहनना चाहिए यार, पार्टी है तो तुम्हें ब्राइट पहनना चाहिए। हाँ तो पार्टी क्या मतलब फैमिली जा रही है दो, तो कम से कम थोड़ा ब्राइट तो पहनो, कुछ तो अच्छा लगेगा। तो मैंने ये ना फ्लोरल प्रिंट का कॉर्सेट पहना है। हाँ चलो आ जाओ बाहर बैठते हैं। माफू मेरा प्यारा माफू, क्या कर रहे हैं बच्चे? अरे वाह फूलों के पीछे फूल है, मेरा बच्चा मेरे साथ ही रहता है। हाँ ये इसका चमचा है रीमा का, एकदम एक नंबर का चमचा, जहाँ मम्मी वहाँ मैं। कुछ भी लेना है पता है बारिश की। हाँ से भी पसंद है। तो गाइस देना सरप्राइज, देखिए कौन आया है घर पे, बहुत दिनों से आप लोग मिलना चाह रहे थे, है ना मम्मी। किस किस को मामी बहुत अच्छी लग रही है आज, प्यारी मेरे को तो बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू, वैसे मैं भी हमेशा ही अच्छी लगती हूं। लेकिन साड़ी कितनी अच्छी लग रही है ना, मुझे साड़ी बहुत प्रीटी लग रही है। और कैसे रही होली सबकी? सबकी बहुत बढ़िया गई, सब सब लोगों ने खूब मस्ती करी। इस बार मामी नहीं आई होली पर, मैं तो आती मैं थोड़ा लेट हो गई थी, पर आती तो जरूर, ऐसा हो नहीं सकता मिलूं ना आप लोगों से। मामा जी आप बहुत चुप बैठे हैं, क्या हुआ? मामा जी चुप बैठते हैं, मैं बोलती हूँ जब दो एक ही तरह बोलना चाहिए घर में, बर्तन बोलने लगे जब दो लोग बात कर रहे हो। नहीं मैं ज्यादा बोलती हूँ इसलिए ये कम बोलते हैं, बैलेंस हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। और क्या, और ये पता है ज्यादा बोलना चाहिए तो रौनक लगी रहती है घर में, रौनक लगी रहती है। मुझे तो लोग लिख के भी चले जाते हैं, प्रशांत को भी बोलने का मौका दिया करो, खुद ही बोलती रहती हो। तो ये तो अच्छी बात है, किस्मत वाले हैं ये लोग, बोलने वाली बीबी मिली है। सही बात है, और क्या चुप वाली मिली होती तो और डेंजरस था। हम तो खूब बोलते। अच्छा मामी ये तो बताइए ये साड़ी कहाँ से लिया आपने?
अच्छी लग रही है। हाँ कॉटन में है ना ये। हाँ कॉटन में है, बहुत प्यारी लग रही है। ब्लाउज भी बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है कॉलर वाला ब्लाउज। बताऊँ तुम्हें, तीजो पे आई थी ना तुम? हाँ हाँ, तो तीजो पे मेरी फ्रेंड्स हैं कुछ, दो तीन ने मिलके मुझे गिफ्ट करी थी ये साड़ी तीज पे। हाँ तीज पे, क्या बात है। तो उन लोग को लगा था कि मैं नहीं पहनूंगी क्या ये, ऐसे करके सोच के मैंने कहा नहीं मैं तो जरूर पहनूंगी। और फिर मुझे तो कोई भी गिफ्ट देता है ना जान से प्यारा होता है, वो मेरा गिफ्ट। तो उसको फटाफट तैयार करवाया, ब्लाउज करवाया। और कोई छोटा सा भी गिफ्ट दे बड़ा, ये तो बहुत बड़ा गिफ्ट है, छोटा सा भी गिफ्ट देता है ना बस मुझे लगता है बस मुझे क्या मिल गया पता नहीं, ऐसी नहीं, हो जाती। अच्छा लग रहा है। हाँ, तो ये बनने के बाद इसके साथ ना मैचिंग ब्लाउज भी बहुत बढ़िया बनवाया आपने। ये कॉलर बनवाया? कॉलर बनवाया ऐसे। ओके, वी नेक में है ये ना, नेक में कॉलर, बहुत प्यारा डिजाइन है। पूरी साड़ी अच्छी दिखाइए लेते हैं, सबको पूरी साड़ी दिखाऊंगी, दिखाइए। ओहो ये देखिए ओवरऑल लुक, मामी को भी OOTD देने की हैबिट हो गई है लग रहा है। अच्छा लग रहा है। आउटफिट ऑफ द डे मामी का, मामा का भी आउटफिट ऑफ द डे दिखाया जाए। मामा तो जब से आए तब से बोल रहे हैं मैं चिंटू की ये शर्ट ले जाता हूँ मेहंदी में पहनूंगा, किसी के घर मेहंदी है। मेरी अगर शर्ट मामा को फिट हो रही है सेफ्टी बन वाला, वो तो यहाँ से बकिया लगा देंगे ना, सिल देंगे। क्या लगा देंगे? बकिया बकिया। वैसे पहले मैं सोच रही थी बगिया लगा, बकिया पहले बोलते थे ऐसे, बकिया लगा देते छोटा कर देते मतलब साइड से। मफिन भी यूज टू हो गया अभी, देखो कुछ नहीं कहता मफिन हमारे गेस्ट को, क्यूट बन के बैठा रहता है ना मफिन। मामी आपको तंग तो नहीं करता कभी? मैं किसी से तंग नहीं होती। मैं दूसरे को साइज से डर जाते हैं लोग इसके। किसी से तंग नहीं होती। आज मामी डांस करेंगी और सब देखेंगे। हाँ, मैं कर दूंगी, सब देखेंगे, सब डांस करेंगे, गाने चलेंगे। अभी अभी आने दीजिए ना, और भी तो लोग आ रहे हैं ना। हाँ। सब मिलके करेंगे फिर डांस। हेलो जी, नमस्ते। हेलो, कैसे हैं आप? बच्चे कहाँ हैं हमारे? अरे कैसे हैं? कैसे हैं? थैंक यू। यहाँ पे मुड़ने के बाद कितना टाइम लगा पता है? यहाँ पे जो लगता है वो 5 मिनट का होता है। और आज लिफ्ट भी खराब हुई है हमारी, एक लिफ्ट खराब हुई है हमारी। जब मामी आई थी तब नहीं थी? नहीं हमारी टाइम तब भी थी, मैं शाम को आ रहा था तब भी खराब, छोटी। अच्छा मैं तो उतरी नहीं हूँ ना कल से। गोलगप्पे और खट्टा मीठा मिक्स। बैठिए ना उधर। हाँ बैठिए। हाँ बैठिए, बैठिए। तो गोलगप्पे की पार्टी चल रही है यहाँ पे, आइए बैठिए, आ जाइए, आप लोग भी खाइए गोल खट्टा और मीठे वाले पानी के साथ। 10 रुपए का एक, 10 रुपए मिलवा रही हूँ मैं आप लोगों को। हाँ से हेलो, हाय। भाई क्या क्या बन रहा है? पूरी कुरकुरे मोमोस और स्प्रिंग रोल। अच्छा तो गरम तो कर लो जी, स्प्रिंग रोल गरम कर लो ना, स्प्रिंग रोल के साथ साथ मोमोज भी गरम कर लो। लाओ मुझे तो, मैं गरम कर देता हूँ। अभी अभी ज्वाइन किया है विनी ने, और इसका नाम दूसरा भी तो है अकरम। अकरम अकरम। हाँ अभी पता है, अभी ना जस्ट थोड़ी देर पहले तीन बार बोला अग्रिम अग्रिम, उसने बोला अकरम आया है, तेरा अकरम ही बोल रहा है। मैं कहा ठीक है, तू मैं तो बात करवा दूंगा। भाभी ने बोल रहा है, भाभी वो कहते हैं अकरम आया। मैं रीमा कहती है ये ना अकरम कौन है? अकरम वो कह मफिन मेरा तेरा। तो गाइस खूब मजा आया आज, बहुत मजा, सब लोग आए, बहुत अच्छा लगा, खूब खाया,
निम्मा पाव भाजी बहुत ही बढ़िया थी, सारे स्नैक्स बहुत अच्छे थे, खूब खाया। गोल गप्पे मैंने पता कितने खाए, 5 नहीं 4। अरे सच बोलो सच। अरे 5 तो मैंने खाए थे, 2 आपने दिए, 3 ने उन्होंने दिए, 6 गोल गप्पे। देखो इन्होंने गिन के खाए, हमने ऐसे हमने बस तुमने बिना गिने खाए, हमने आदर भाव से खिलाया। 6 गोल गप्पे खाए, देखो गोल गप्पे हो गए, खूब खाया, खूब मजे करे। और पता है कितने 7 बजे आ गए थे, 12 बजे बताइए आपने बहुत बहुत और भी चीजें खाई है। 12 बजे जा रहे हैं, मोमोज, मोमोज, स्प्रिंग रोल, स्प्रिंग रोल और चाउमीन, चाउमीन और वो बाउल में क्या बना के लाए थे, बहुत अच्छा बनाया था, बहुत ही बढ़िया रीमा, अरे मजा आ गया। अरे हाँ, बाय बाय, बाय बाय, मिलेंगे हाँ फिर से, आते रहा करिए मेरे घर, सब लोग मिलना, सारे लोग मेरे घर मिलना, ऐसे आया करो, ऐसे नहीं होता, एक बार आ गए ऐसे नहीं, आगे भी आना है ना। बिल्कुल जी आएंगे और बिल्कुल मिलते रहेंगे, ठीक है, चलो भाई।